24 घंटे मेरे घर में पानी भरा, मैं पानी में बुड़ के बैठी हूँ, सवा सब महीने का मेरा बच्चा लेके मैं बैठी हूँ घर में। हेलो अमित, हाँ क्या बोल रहे हो? मैं आता एक मिरर लालो होतो ना, तो राजू मेरा उपोषण बसला इथे मग काय? अरे बसल्यास माहिती का बरं बरं दिसतं का ते? काय असेल तर मार्ग काढा नाही तो 24 घंटे मेरे घर में पानी भरा, मैं पानी में बुड़ के बैठी हूँ, सवा सब महीने का मेरा बच्चा लेके मैं बैठी हूँ घर में। घर से बाहर निकल नहीं सकती हूँ, इतना पानी रहता है राजू मेरे ऑफिस के सर में कि हम लोग बाहर ही नहीं निकल सकते, और हमारे बिल्डिंग में इतना पानी भरता है। इसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सब पानी भर जाते हैं, सबको तकलीफ है, ये अपने लिए करते हैं बराबर के नहीं भाई। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ कांग्रेसी नगर सेवक राजू मेहरा पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर। इस बारे में जानते हैं क्या उनकी मांगे हैं और क्यों अनशन पर बैठे हैं। राजू भाई, क्या मांगे हैं आपकी और आप अनशन पर बैठे हैं 3 दिन से? ये जो नेग्लिजेंस MBMC के PWD डिपार्टमेंट का वाटर लॉगिंग के लिए शीतल नगर, शांति नगर, विजय पार्क सब जगह पे चल रहा है, तो उसकी शुरुआत मैंने शीतल नगर से की है। यहाँ पे करीब जब से मैं हूँ तब से यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रही है, और उसका लेवल साल दर साल बढ़ते जा रहा है। पहले 6 इंच था, 1 फुट हुआ, 1.5, 2.5, तो उसका कोई निवारण नहीं है। ये कुछ भी बोल देते हैं, और वो 3 महीने जो पानी भरता है बेवकूफ़ बना देते हैं पंप लगा के, जिससे 1 इंच पानी कम नहीं होता है। उसमें भी भ्रष्टाचार है, इनको पता है कि पंप लगाने से पानी नहीं निकलने वाला, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और ये लड़ाई हमारी उसी वजह से, और शुरुआत हमने इस गटर से की है। ये गटर आप देख लीजिए, हमने पीछे फ़ोटो लगाई हुई है, जिसमें गटर जब क्रॉसिंग्स पे आता है या रोड लेवल है तो वो रोड लेवल पे रहता है। इस चीज़ को इन्होंने रोड लेवल पे करने के लिए मना कर दिया। हम बोल रहे हैं इसको रोड लेवल पे करो, या हमको टेक्निकल रीज़न दो कि ये 9 इंच क्यों होगा या 18 इंच क्यों होगा। ये टेक्निकल कोई रीज़न नहीं देते। और अभी आज एक पेपर में, कौन सा पेपर है, NBT में खम्बित साहब का स्टेटमेंट है कि अगर ये 9 इंच लेवल किया तो जलमग्न हो जाएगा। मतलब ये खुद मानते हैं कि यहाँ पानी भरता है और वहाँ पर जलमग्न हो जाएगा। अभी तो हुआ नहीं है, तो क्या ये इनका आसान रास्ता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने का, एक को प्रॉब्लम में रखने का और दूसरे को अच्छा रखने का? और ये नहीं है कि शांतिनगर में पानी नहीं भर रहा है, अगर हमारे यहाँ 2 मोटर लग रही है तो इनके यहाँ 6 मोटर लग रही हैं। 5 नंबर में 2, 6 नंबर में 2, 4 नंबर में 2, 2 नंबर में 2। इसके इशारे पे काम कर रहे अधिकारी, इनके पास नॉलेज ही नहीं है साहब। इनको तो मैं इस परिस्थिति में हूँ कि ये इंजीनियर हैं क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है कि 10 साल से जो इंसान एक जगह पे बैठा है वो बोलता है शहर जलमग्न हो जाएगा, एक इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? क्या किया इन्होंने 10 साल में? मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आयुक्त का 5 साल में 6 आयुक्त का तबादला होता है, लेकिन प्रशासन में कई अधिकारी है जो एक जगह पे पिछले कई सालों से बैठे हुए हैं, आज भी वही मसले के लिए आप अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? इसीलिए तो बैठे कि अगर वो आदमी कैपेबल होता तो ये दुर्दशा शहर की नहीं होती। वो 6 साल बैठे, 6 महीने बैठे, इससे मतलब नहीं है। आदमी जब 6 महीना पुलिस डिपार्टमेंट या कमिश्नर की 2 साल से 2.5 साल की ड्यूटी होती है, उसमें वो नया आता है, हर चीज़ समझता है और अपनी छाप छोड़ के जाता है। जैसे विक्रम कुमार साहब थे, वो अपनी छाप छोड़ के गए। डांगे साहब 6 महीना थे, 1 साल थे, हमारा टेम्बा हॉस्पिटल की क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है। राठौड़ साहब भी कर रहे हैं, ये जो इनके बहकावे में कमिश्नर आ जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि कमिश्नर को पूरी तरह से मिसगाइड किया जाता है? हाँ जी, अभी ये कमिश्नर साहब को पढ़ना चाहिए कि उनके एक ऑफिसर ने क्या लिखा है कि वो सॉल्व करना नहीं चाहता है। वो एक जगह की परेशानी एक जगह पे रखता है, और ये 1.5 फुट पानी रहेगा वहाँ पे, 2 फुट रहेगा, लेकिन ये वहाँ जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो दोनों को डूबने दो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है।
प्रशासन की तरफ से कोई आया है कि आपको मनाने के लिए? पास आए थे, एक लेटर वहाँ रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। जिस चीज़ के अगेंस्ट हमने ये आंदोलन किया है या उपोषण किया हुआ है, वही प्रपोजल लेके हमारे पास आते हैं ये वापस कल, वही चीज़ लिख के। या तो मैं महामूर्ख हूँ या ये बहुत ज़्यादा होशियार हैं। राजू भाई, अगला कदम क्या रहेगा आपका? इस तरह से अनशन जारी रहेगा या फिर आपको? जारी रहेगा। ये सिर्फ शीतल नगर नहीं, ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की जो गलत नीतियां हैं, फंड्स का मिसयूज करना है। आप कंक्रीट रोड बना रहे हो, हाइट बढ़ जा रही है 2 फुट यहाँ पे कंक्रीट रोड, और बाजू का एरिया लो लाइंग हो जाता है तो पानी नहीं भरेगा। सिर्फ एक 18 फुट 6 मीटर का नाला नीचे लेने से अगर एक शहर की बहुत बड़ी बस्ती जलमग्न होती है, तो ये किलोमीटर के हिसाब से जो 2-2 फुट ऊपर कंक्रीट रोड बनाए जा रहे, उसका जवाब कौन देगा? क्या उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं वो खंबित साहब से पूछता हूँ, बारकुंड साहब से पूछता हूँ और कमिश्नर साहब से पूछता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये कब रोकेंगे? ये थे राजू मेहरा जी। इनका कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को मिसगाइड किया जाता है, एक जगह दिखाते हैं और दूसरी जगह पर बताते हैं। ये अनशन इनका जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है। अब यह देखना होगा ये अनशन और कितने दिन चलेगा। कैमरामैन विनय के साथ अजीम तांबोली, भाईंदर।